सो है गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में हमने लास्ट कुछ वीडियो में जो है डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया है। एज्यूम के अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स को देखा है वो सारे डेटा टाइप्स जो है आपको क्लियर होंगे और आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं और आज से आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको एडवांस लेवल का जो डेटा टाइप्स है जो कि हम आइडियली यूज करते हैं एसक्यूएल, उनके बारे में जो है मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अभी तक हमने जितने भी डेटा टाइप्स को जो है गो थ्रू किया है वो बेसिकली डेली यूजेस डेटा टाइप्स है। अब हम कुछ ऐसे डेटा टाइप्स को जो है गो थ्रू करने वाले हैं जो कि हम एडवांस लेवल के कंसेप्ट को या एडवांस लेवल के अगर आप डेटाबेस को मैनेज कर रहे हो तो वहां पे आपको जो ये डेटा टाइप जो है हेल्प करेगा। सो उनके बारे में जो है हम गो थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हम दो तरीके के जो है डेटा टाइप को गो थ्रू करेंगे इन एडवांस। वन इज द स्पेशल डेटा टाइप और अनदर वन इज द जेसन डेटा टाइप। सो जेसन इन द सेंस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो इनके बारे में भी जो है हम बात करेंगे। सो आज का मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको स्पेशल डेटा टाइप जिसके अंदर जो है आइडियली हम मल्टीपल डेटा टाइप को जो यूज कर सकते हैं एज एडवांस लेवल। एज ऑफ नाउ हम तीन डेटा टाइप्स के बारे में गो थ्रू करते हैं, ज्योमेट्री, पॉइंट और पॉलीगोन। इसके अलावा और भी डेटा टाइप्स है जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे जेसन डेटा टाइप्स के बारे में, राइट। सो ये हमारा जो स्पेशल डेटा टाइप है इसको तो हम ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, बट हाँ स्टिल अगर आप डेटाबेस को गो थ्रू कर रहे हो, MySQL को गो थ्रू कर रहे हो, तो आपको जो इसका नॉलेज होना चाहिए कि हमारा सिंटैक्स वगैरह क्या होगा, हम किस तरीके से डेटा यहाँ पे स्टोर करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा किस तरीके का डेटा यहाँ पे स्टोर होने वाला है, राइट। सो इनके बारे में भी जो है आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल डेटा टाइप के कंसेप्ट के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेशल डेटा टाइप्स है क्या। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन है कि स्पेशल डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर ज्योग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन। दे अलाउ यू टू मॉडल अ रियल वर्ल्ड लोकेशन एंड ज्योमेट्रिक सेप्स एंड इनेबलिंग स्पेशल एनालिसिस। सो कहने का क्या मतलब कि हम स्पेशल डेटा टाइप जो भी हमें यहाँ पे टाइप्स मिलेगा उनको जो है हम यूज करेंगे टू स्टोर कोई भी अगर जो ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करने के लिए। सो ज्योग्राफिकल या ज्योमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया। सो आप कोई भी एक रियल वर्ल्ड का जो एग्जाम्पल ले सकते हो, लाइक कहीं का अगर आपको लोकेशन स्टोर करना है या कोई जो जियोग्राफिक सेप्स हैं लाइक 2D 3D में हमारे पास कोई सेप है तो उनको अगर आपको स्टोर करना है तो उसके लिए आपको जो स्पेशल डेटा टाइप जो यूज करना होगा। जो अभी तक हमने नॉर्मल डेटा टाइप को यूज किया है उनको जो है यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो आप जो है ज्योग्राफिकल और ज्योमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोर करना चाहते हो इन योर DB तो वहाँ पे आपको जो ये डेटा टाइप जो हेल्प करने वाला है। सो इसमें जो है हमें बहुत सारे टाइप मिलते हैं, उनमें से जो है हम तीन टाइप्स को जो है गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे मैं बात करूंगा सबसे पहला डेटा टाइप इन स्पेशल डेटा टाइप विच इज पॉइंट डेटा टाइप। तो अभी ये पॉइंट डेटा टाइप को यूज हम कहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे सिंपल टर्म्स है कि रिप्रेजेंट अ सिंगल लोकेशन इन अ 2D स्पेस विथ एन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। सो इसको जो है हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट अ सिंगल लोकेशन इन 2D स्पेस। इसको जो है एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम समझते हैं ना तो वहां पे आपको और भी चीजें जो है क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा वही है यूज एग्जांपल। सो आप मान के चलो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो है आप कोई लोकेशन जो है स्टोर करना चाहते हो तो वही चीज है यहाँ पे, ट्रैकिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो अगर आप लोकेशन अगर आप ऐड करोगे ना सो आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन के अंदर जो है दो चीजें होते हैं, वन इज द लैटिट्यूड एंड अनदर वन इज द लॉन्गिट्यूड। सो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के थ्रू जो है हम कोई भी लोकेशन को जो है जज कर सकते हैं कि ओके ये कहाँ का लोकेशन है। तो लोकेशन को ट्रैक करने के लिए लाइक अगर हम कोई मटेरियल यूज करते हैं तो उसके लिए जो है हमारा यूनिट है किलोग्राम, ग्राम। तो उसी तरीके से यहाँ पे लोकेशन को लोकेट करने के लिए लोकेशन का जो यूनिट है वो हमारा लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो यहाँ पे यूज होता है। सो ये ट्रैकिंग लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अ यूजर लोकेशन इन एन एप्लीकेशन। तो आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हो जहां पे जो है करंट यूजर का आप लोकेशन लेना चाहते हो कि कहाँ से जो है वो आपके ऐप को एक्सेस कर रहा है। तो इसके लिए जो है आप क्या कर सकते हो, स्टोरिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्टोर या पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्ट। सो इसके लिए जो है आप पॉइंट को यूज कर सकते हो। तो कहने का क्या मतलब, सिंपल एग्जाम्पल है, आप एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो जहां पे आपको लोकेशन चाहिए कि वो यूजर कहाँ से जो है आपका डेटा जो है फेच कर रहा है या आपका एप्लीकेशन यूज कर रहा है। तो इसके लिए आप जो पॉइंट डेटा टाइप को यूज कर सकते हो उसके लोकेशन को स्टोर करने के लिए। सो आई होप आपको ये पॉइंट का जो है डेटा टाइप समझ में आया होगा। इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं क्योंकि ये जनरली हम यूज नहीं करते हैं और माइट बी
और आपको भी ज्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन कभी भी अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करें तो जहाँ पे ये सारे टर्म्स जो यूज होता है तो वहां पे आपको माइट बी ये डेटा टाइप जो हेल्प करेगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हम इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तो साथ के साथ जो इसका हम सिंटेक्स भी जो है गो थ्रू कर लेते हैं। सो अगर आपको क्रिएट टेबल का कंसेप्ट पता है, मतलब क्रिएट टेबल का जो बेसिक हमने क्वेरी देखा है वो चीजें अगर पता है, तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा क्वेरी होता है, क्रिएट देन जो टेबल, दो कीवर्ड होता है, देन हमारा टेबल का नाम विच इज अ यूजर डिफाइंड, सो लोकेशन, और देन जो यहाँ पे हम अपने एट्रीब्यूट इन द सेंस जो हमारा कॉलम है उसको जो डिफाइन करते हैं। तो एक हमने आईडी रखा, देन नेम रखा, और देन जो हमारा ये लोकेशन। सो लोकेशन का जो टाइप है आप यहाँ पे चेक करोगे विच इज अ पॉइंट। सो पॉइंट का मतलब कि हमारे यहाँ पे वैल्यू जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अंदर जो स्टोर होगा। सो ये इसका जो है क्रिएट हो गया। तो क्रिएट में ज्यादा कुछ नहीं है, आप जिस तरीके से बाकी डेटा टाइप को जो यूज करते हो सिंपल, आप अपने एट्रीब्यूट के नेम के साथ जो यहाँ पे अपने डेटा टाइप का जो नाम लिखोगे। बट जब डेटा अगर आप इंसर्ट करने जाओगे उस टेबल के अंदर, तो इंसर्ट का कमांड अभी तक हमने नहीं देखा है, लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है आइडिया ले सकते हो। और जब कभी भी हम इंसर्ट के कमांड को जो गो थ्रू करेंगे तो वहां पे आप इसको अगेन रिविजन कर सकते हो, आके वापस देख सकते हो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ कंसेप्ट तो। सो इंसर्ट इनटू बेसिकली हमारा ये दो कीवर्ड है जो कि एसक्यूएल डिफाइंड कीवर्ड है, और देन जो ये हमारा यूजर डिफाइंड, कौन से टेबल में आप जो है अपने डेटा को इंसर्ट करने वाले हो टेबल का नाम। सो हमने टेबल का नाम जो लोकेशन दिया था यहाँ पे, सो लोकेशन और कौन कौन से वैल्यू हम फिल करने वाले हैं, सो नेम और देन जो लोकेशन, तो दो हमने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाला है, देन वैल्यू एक की है जिसको हम यूज करेंगे, और देन जो ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे अपना वैल्यू डालेंगे। सो फॉर नेम, नेम के लिए हमने डाल दिया स्टोर ए, जो भी स्टोर का नाम होगा, लेट्स रिज्यूम स्टोर ए। फॉर लोकेशन, लोकेशन पे क्या होगा लॉन्गिट्यूड, और ये हमें दोनों स्टोर करना होगा राइट, तो इसके लिए हम जो एस टी जियोम फ्रॉम टेक्स्ट ऐसा कुछ जो एक फंक्शन आता है उसको जो आपको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप जो अपना पॉइंट जो डेटा टाइप है और जो वैल्यू है, दो हम वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करने वाले हैं, तो उसको जो है आप हाइफन सेपरेटेड के थ्रू जो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो ये सिंपल जो है हमारा इंसर्ट का कमांड है, और जब कभी भी अगर आप इंसर्ट के क्वेरी को आगे गो थ्रू करोगे तो वापस आकर आप एक बार इस कमांड को जो है देखना, तो आपको ज्यादा चीज समझ में आएगा। ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस नहीं करना है, एक जस्ट न्यू टर्म्स है कि आपको ये फंक्शन यूज करना होगा और इसके अंदर अपने बेसिकली जो भी आप डेटा टाइप को यूज करोगे वहां पे एज अ वैल्यू पास करना होगा। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स जो समझ में आया होगा। तो ये था हमारा सबसे पहला डेटा टाइप इन अ स्पेशल डेटा टाइप विच इज अ पॉइंट डेटा टाइप। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे डेटा टाइप है विच इज अ पॉलीगोनल। सो पॉलीगोनल जो है हमारा क्या है, रिप्रेजेंट अ क्लोज एरिया बाय स्पेसिफिक मल्टीपल पॉइंट। सो पॉइंट जो है बेसिकली एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे हमारा जो है कोई एरिया है, उस एरिया को हमने चूज कर लिया। लेट्स अस्यूम आप अभी अपने जगह से जो है वीडियो देख रहे हो, तो आपका जो पॉइंट है वो कुछ अलग होगा, और आपके बगल का जो पड़ोसी अड़ोसी जो भी है उसका पॉइंट अलग होगा। तो हर एक का जो अलग अलग पॉइंट है, बट अगर ये दोनों सेम एरिया में है, तो अगर आप इस एरिया को अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो यहाँ पे एक एरिया के अंदर जो हमारे पास क्या हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट हो सकता है राइट, और मल्टीपल पॉइंट जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सो हर एक पॉइंट का जो अपना लोकेशन होगा। तो यही है कि पॉलीगोनल क्या है कि रिप्रेजेंट अ क्लोज एरिया बाय स्पेसिफाइंग मल्टीपल पॉइंट। सो मल्टीपल पॉइंट को जो हम एक एरिया में जो डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे लिए जो पॉलीगोनल हो जाएगा। तो पॉलीगोनल क्या करेगा, ये सारे जितने भी पॉइंट है इसको एक एरिया जो है हम दे दिया। सो कई बार कैसा होता है ना कि आप एक ऐसे एप्लीकेशन पे काम करते हो, आप पिन वाइज जो है, पिन वाइज हमारा बेसिकली कुछ चीजें आप एसेस करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो वहां पे जो है आप ये डेटा टाइप जो यूज कर सकते हो कि ओके अगर ये पिन कोड आता है, मतलब कि इस एरिया में हम यूजर को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं, तो वहां पे जो है बेसिकली आपको ये डेटा टाइप जो हेल्प करेगा। सो इसका जो है एक एग्जाम्पल हम मैं गो थ्रू करवाता हूँ, तो वहां से और भी चीजें जो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ जो है हम गो थ्रू करने वाले हैं। डिफाइनिंग रीजन, सो कोई रीजन को डिफाइन करना चाहते हो, सच एज सिटी या बाउंड्री या रिस्ट्रिक्टेड एरिया या सर्विस एरिया फॉर डिलीवरी। सो डिलीवरी के लिए आप ऐसा कह सकते हो ना कि हर एक एरिया में जो हमारा डिलीवरी नहीं जा सकता राइट। सो उसके लिए आप जो ऐसा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि ओके ये अगर पिन कोड आया तो इसको जो हमने रिस्ट्रिक्ट करा है, यहाँ पे जो हम डिलीवरी नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा कुछ यूज करना चाहते हो, मतलब मल्टीपल पॉइंट को एक एरिया में आपने कन्वर्ट कर दिया और उसको जो एक पॉलीगोनल बना दिया, मतलब ये पॉलीगोनल का कुछ हमने आईडी दे दिया और हमने बोला कि इस आईडी के अंदर जितने भी पॉइंट होंगे ना वहां पे हमारा डिलीवरी नहीं होने वाला, तो वहां पे जो वो हमारे लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये पॉलीगोनल का जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। हम किसके लिए यूज करेंगे,
कोई सिटी या कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया या कोई सर्विस एरिया हमें बनाना है कि हमारा जो सर्विस इसी एरिया में होगा, तो उसके लिए जो हम इस डेटा टाइप्स को जो यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेकेंड स्पेशल डेटा टाइप भी जो क्लियर होगा। थर्ड वन जो हमारा है यहाँ पे विच इज अ ओके सो थर्ड वन से पहले हमारा जो सिंटेक्स है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सो टेबल क्रिएट के समय अगर आप एट्रीब्यूट को एज अ पॉलीगोनल यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो सिंपल है, आप इसको एज अ कीवर्ड जो यूज कर सकते हो। और अगेन आप वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे, तो जो हमने फंक्शन फॉर पॉइंट यूज किया था सेम फंक्शन जो है आप स्पेशल डेटा टाइप को अगर यूज कर रहे हो तो वहां पे यूज करोगे, और यहाँ पे आप अपना डेटा टाइप यूज करोगे और देन जो यहाँ पे आप अपना वैल्यू पास करोगे। सो बेसिकली हमारा पॉलीगोनल क्या है कि पॉइंट का जो है मल्टीपल है। सो यहाँ पे क्या है, पॉइंट के अंदर दो चीजें आएंगे राइट, सो वन इज द लेटिट्यूड और वन इज द लॉन्गिट्यूड, तो ये दोनों वैल्यू जो यहाँ पे स्टोर होगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको सिंटेक्स भी जो क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे डेटा टाइप है इन स्पेशल डेटा टाइप वो चीज ज्योमेट्रिक डेटा टाइप। सो अभी ये ज्योमेट्री के बारे में जो हम गो थ्रू करते हैं। सो यहाँ पे हमारा जो ज्योमेट्रिक डेटा टाइप है इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो देखो हमारा जो स्पेशल डेटा टाइप है उसमें मल्टीपल डेटा टाइप हमें मिला। अब उस मल्टीपल डेटा टाइप को जो है आप कंबाइन करके किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के अंदर इंसर्ट करना चाहते हो, लाइक हमने पॉइंट को अभी गो थ्रू किया, देन पॉलीगोनल को गो थ्रू किया, इस दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो है मैं ऐसा चाहता हूँ कि एक मुझे जो है एक स्पेशल डेटा को जो है सेव करना है अपने कॉलम के अंदर, तो उसके लिए जो है हम ज्योमेट्रिक डेटा टाइप को जो यूज करेंगे। सो वही चीजें यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जेनरिक स्पेशल डेटा टाइप दैट कैन स्टोर एनी स्पेशल ऑब्जेक्ट। सो अफकोर्स दो से ज्यादा चीजें आएगा तो वो है जो ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे जो है आप पॉइंट डेटा टाइप हो गया। देन एक और डेटा टाइप होता है विच इज अ लाइन स्ट्रिंग, सो इसको भी आप जो है गो थ्रू कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां से कि ये क्या होता है। और देन जो हमने ऑलरेडी पॉलीगोनल को देखा, तो इन सारे को जो है आप मिला के एक जेनरिक बना दोगे, तो इसके लिए जो है हम ज्योमेट्रिक नॉट ओनली दिस वन और भी डेटा टाइप्स है, या आप दो या एक का भी कॉम्बिनेशन आप जो यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो ये हमारा ज्योमेट्री हो जाएगा राइट। सो इसका एग्जाम्पल अगर आप चेक करोगे ना, तो यूजफुल इन अ केस वेयर मल्टीपल स्पेशल डेटा टाइप्स आर नीडेड विद इन अ सेम कॉलम लाइक अ मैप एप्लीकेशन। सो अगर आप कोई मैप एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो तो वहां पे क्या होते हैं कि आपका पॉइंट भी होगा, लाइन भी होगा और आपका पॉलीगोनल भी होगा। सो अब इस तीनों को जो है अगर हम एक साथ स्टोर कर देंगे तो उसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, ज्योमेट्री डेटा टाइप को जो है बनाना होगा। सो पॉइंट बेसिकली हमारा प्लेस हो जाएगा कि कौन सा लोकेशन पे यूजर जाना चाह रहे हैं वो प्लेस हो जाएगा। लाइन को जो है हम यूज करेंगे एज अ पाथ की ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है, तो इसके बीच का जो पाथ है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो हम लाइन डेटा टाइप को यूज करते हैं। और जो हमारा पॉलीगोनल है वो बेसिकली यहाँ पे यूज होगा एज अ जोन कि हमारा ये जो है कौन से जोन के अंदर आ रहा है, तो इसके लिए जो है हम ये ज्योमेट्री डेटा टाइप जो है बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये स्पेशल डेटा टाइप जो है समझ में आया होगा। अगर इसके सिंटेक्स का मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम सिंटेक्स है जो कि अभी तक हमने स्पेशल डेटा टाइप के अंदर देखा है, तो सेम सिंटेक्स जो है हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं। जस्ट आपको फॉलो यहाँ पे चेक क्या करना है, सिंटेक्स तो क्रिएट टेबल का तो नॉर्मल है, आपको समझ में आया होगा। जब हम डेटा इंसर्ट करेंगे तो अगर आप पॉइंट डेटा टाइप को यूज करें तो पॉइंट, लाइन स्ट्रिंग को यूज करें तो लाइन स्ट्रिंग, और अगर कोई अदर डेटा टाइप अगर आप यूज करते हो लाइक पॉलीगोनल तो उसके लिए वो, और उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू है जो आप फंक्शन यहाँ पे पास करोगे। सो आई एज्यूम कि आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। इसमें स्टिल यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट करो क्या कंफ्यूजन है। और जब हम इंसर्ट वगैरह पे बात करेंगे ना तो आई थिंक ये क्वेरी आपको और भी जो है समझ में आएगा। बट ये जो हमारा डेटा टाइप है ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन एज अ डेवलपर हमें इन चीज़ों का जो है नॉलेज होना चाहिए राइट। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैंने आपको ये टर्म्स जो है गो थ्रू करवा दिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आज के टाइम में हम हर एक प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट यूज करते हैं विच इज द जेसन डेटा टाइप। सो अभी ये जेसन डेटा टाइप जो है क्या है और इसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है, हर एक चीज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे जो है हम इनसे आगे के कंसेप्ट को जो है गो थ्रू कर रहे होंगे।